Hello everyone, welcome to my channel Math Booster. In this video we are going to do question number 8 of exercise 8.3. Class 8 ka aapka chapter hai, naam hai comparing quantities. To read out karte hain first of all question ko. Question aapko bol raha hai find amount and compound interest. Kya find out karna hai aapko? First of all to aapko amount find out karna hai aur second number pe this one is your compound interest. Kiske upar? Principal kitna given aapko? 10,000 और टाइम आपको कितना गिवन है 1.5 ईयर और रेट आपको गिवन है 10% पर एनम और यहाँ पे बात किसकी हो रही है कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली की अगर बात करें तो डिफरेंस कहाँ पे आता है आपका रेट और टाइम के अंदर रेट आपका क्या हो जाता है हाफ हो जाता है और टाइम आपका क्या हो जाता है डबल हो जाता है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए ठीक है जैसा कि मैंने बताया आपको प्रिंसिपल जो रहेगा आपका वो एज इट इज रहेगा दैट इज 10,000 ठीक है अब रेट में कैसे डिफरेंस आता है रेट में आता है आपका जो आपका रेट होता है 10% गिवन है तो आपका रेट क्या हो जाता है हाफ हो जाता है मतलब 2 से डिवाइड तो आपका रेट क्या हो जाएगा दैट इज योर 5% ओके अब सिमिलरली टाइम में डिफरेंस देखते हैं कैसे आएगा टाइम आपको क्या गिवन है 1.5 ईयर दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आप सिंपल फ्रैक्शन में मतलब सिंपल चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई और जो उसका न्यूमरेटर आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा 2 1 2 न्यूमरेटर क्या है 1 2 + 1 दैट इज 3/2 अब मैंने आपको बताया जो आपका टाइम होता है वो क्या हो जाता है डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल तो आपका क्या आ गया आंसर 3 ईयर ओके रेट इज 5% टाइम इज 3 ईयर प्रिंसिपल इज योर 10,000 इसको कंसिडर करके आप हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास होता है अमाउंट इक्वल्स टू पी 1/+r/100 की पावर n हियर n इज योर टाइम ओके नाउ प्रिंसिपल इज 10,000 वन आपका एज इट इज रेट आपको क्या है हम क्यों कंसिडर करके चल रहे हैं हाफ ईयरली के लिए 5% 100 आपका एज इट इज टाइम कितना गिवन है आपको दैट इज 3 ईयर 10,000 अगेन आपका एज इट इज और जब ये कट आउट होगा आपको एक नंबर ऐसा चूज करना होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर भी जाए और आपका डिनोमिनेटर भी जाए तो 5 का जो टेबल है आपका 5 भी जाएगा और 100 भी जाएगा 5 1 5, 5 2 10 एंड 0 की 0 तो आपका सोल्व आउट करने के बाद आपको क्या मिला दैट इज 1/20 की पावर 3 ठीक है अब कुछ नहीं लगा हुआ तो हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में 10,000 अगेन आपका एज इट इज और 1 और 20 लगा कैंसिल लोगे तो वो आपका क्या आएगा 20 और अब क्या करना है जो आपका ये एलसीएम आता है उसको 1 से डिवाइड जो आपका डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड डिवाइड करेंगे तो क्या देगा आपको 20 और डिवाइड करने के बाद जो आप खाता है उसको क्या करना होता है आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और ये आपको क्या आ जाएगा 20 और सिमिलरली 20 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 और 1 को जब न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ठीक है अब 10,000 अगेन आपका एज इट इज 1 + 1 गिव यू 21/20 ठीक है अब 21/20 की पावर 3 का मतलब क्या है 21/20 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स उसके लिए क्या करेंगे 10,000 अगेन एज इट इज 20/21/20 एंड अगेन 21/20 1 0 से 1 0 कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड दिस वन इज आल्सो कैंसिल आउट 2 1 2 2 5 10 तो ऊपर आपके पास क्या होता है न्यूमरेटर में 5 × 21 × 21 × 21 और नीचे 2 × 2 दैट इज 4 ठीक है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 46,305 और जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे दैट विल गिव यू 11,576.25 ठीक है अब ये जो आया है आपका दिस वन 11,576.25 दिस इज योर प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट दिस इज योर अमाउंट अब आपको फाइंड आउट सेकेंड वाली चीज क्या फाइंड आउट करनी है अमाउंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया कंपाउंडेड
एंड हाफ ईयरली के लिए. अब सेकंड वाली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, अमाउंट हमने फाइंड आउट किया आपका क्या आया है, 11,576.25 माइनस 10,000. ठीक है, जब आप माइनस करोगे दैट विल गिव यू 1,576.25. ये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. ये जो हम हमने सब का सारा काम किया है किसके लिए किया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए. और अब हमें क्या करना है, कंपाउंडेड एनुअली के लिए फाइंड आउट करना है अमाउंट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. और फिर इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, वो चीज आपको बतानी है. तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सेकेंड ये मैं रख कर देती हूँ. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमने किसकी बात करी थी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की, अब हम बात करेंगे कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली में आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा, 10,000. रेट क्या रहेगा, 10% आपका एनुअलिटीज रहेगा. जो आपका टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 ईयर, ये भी एनुअलिटीज रहेगा. तो अब इसके लिए आपको, जब आपको कंपाउंडेड एनुअली गिवन होता है तो आपको क्या करना होता है, जो आपको कंप्लीट ईयर गिवन होता है, यहाँ पे क्या है, 1 इज कंप्लीट ईयर, इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट. ठीक है, और फिर उस अमाउंट को प्रिंसिपल कंसिडर करके इस हाफ ईयर के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है. आपको अमाउंट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हम अगेन आपका फॉर्मूला रिटन हियर एज इट इज, ठीक है, एंड ठीक है. अब प्रिंसिपल क्या आपका, दैट इज 10,000, 1 आपका एज इट इज, रेट क्या आपका 10/100. एंड क्या है, अब किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये अमाउंट फाइंड आउट कर रही हूँ, ये जो कंप्लीट ईयर गिवन है मतलब आपका 1 ईयर, तो एंड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1. ठीक है, 10,000 अगेन आपका एज इट इज, 10 से 10 कैंसिल, मतलब आपके पास क्या बचा, 1/10^1. ठीक है, 10,000 अगेन एज इट इज, और जब आप इसका एलसीएम लोगे दैट विल गिव यू 10, और 10 को न्यूमरेटर से डिवाइड किया दैट विल गिव यू 10, 1 को 10 से किया 10, और 10 को 10 से मल्टी, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया दैट विल अगेन गिव यू 10. ओके, अब 10 को 10 से किया दैट विल गिव यू 1. डिवाइड करने के बाद आता है उसको क्या करना होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1. ठीक है, 10,000 आपका एज इट इज, अब ये आपका क्या हो जाएगा, 11/10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11,000. ये आपका क्या है, अमाउंट आया है किसके लिए, 1 ईयर के लिए. अब इस अमाउंट को आपको क्या कंसिडर करना है, प्रिंसिपल, और जो ये बचा हुआ हाफ ईयर है इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट. तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज P into R into T upon 100. P क्या आपका है, 10, सॉरी. अब जो आपको P को क्या रखना है, आपको जो अमाउंट हमने फाइंड आउट किया उसको P कंसीडर करना है, आपको प्रिंसिपल कंसीडर करना है. तो हमारा अमाउंट क्या निकला है, 11,000. रेट क्या आपका, दैट इज 10%. और टाइम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हो, ये चीज आप हाफ ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर चुके हैं. तो अब क्या कर रहे हैं, हम इस अमाउंट को प्रिंसिपल रख के हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. तो आपका टाइम क्या होगा, दैट इज 1/2 upon 100,000. 0 से 0 कैंसल, 2 1 2 2 5 10. और इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 110 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 550. दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर. अब टोटल अमाउंट आपका कहां से आएगा, टोटल अमाउंट जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब 11,000 प्लस 550 जब आप करोगे दैट विल गिव यू दिस. ठीक है, 11,550, दिस इज योर टोटल अमाउंट फॉर कंपाउंडेड ईयरली, मतलब एनुअली. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. ठीक है, ये आपका क्या है, टोटल अमाउंट. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट. वो क्या होता है आपका, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल। अमाउंट आपका क्या है 11,550 और जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज योर 10,000। ठीक है, माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा 0 and 5, 5 एंड दिस विल गिव यू 11,550। अगर आपको माइनस क्या करना है 10,000, 5 is 1, आपको क्या मिल जाएगा 1,550। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनुअल। और ये जो है आपका, ये आपको किसके लिए है, कंपाउंडेड हाफ एनुअली के लिए। और ये जो हमने फाइंड आउट करके लिखा हुआ है, हियर अमाउंट क्या था आपका 11,576.5, अमाउंट आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अमाउंट क्या आया था आपका 11,576.25 और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया था दिस इज योर 1,576.25। और यहाँ पे आपको अमाउंट क्या मिला आपको 11,550 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या रहा है 1,550। अब इसको कंपेयर कर सकते हो आप 1,576.25 ये क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, और ये क्या है आपका 1,550 ये किसका है आपका एनुअली का। तो इनमें से ग्रेटर कौन है, दिस वन इज ग्रेटर, तो आपका क्या बड़ा हुआ कंपाउंडेड हाफ ईयरली का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज ग्रेटर देन कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट। अब यही चीज आपको फाइंड आउट करनी थी, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन एनुअली। This is solution of question number 8 of exercise 8.3. Meet you in next video with a new question with a new query. Till then, take care. Bye-bye.